नहीं मांग रहे सरकार, ना नई नौकरी मांग रहे, रिटायरमेंट के बाद वो पार्ट टाइम जॉब साथ बोले ना अखिल राजकुमार कि वो जो रिटायरमेंट के बाद वाली जॉब है वो नहीं मांग रहे। मैंने सोनी देवी को भी सुना, अक्सर मुझसे बात उनकी होती रहती है, उन्होंने मुझसे पहले भी जब बस्तर में कुछ हुआ था उन्होंने मुझसे कहा आ जाओ, और मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं। सुबह उठने के बाद जब हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में तो कम लेकिन अखबार में या बहुजन मीडिया के कुछ चैनल्स वगैरह में मिल जाता है, अब तो आंसू भी सूख गए, रेप हत्या डकैती चोरी लूटपाट। हम भारत में रहते और भारत तमाम जाति धर्मों से बना हुआ एक देश, इसको संगठित किया गया संविधान के जरिए, यहां चोर हत्या रेपिस्ट है तो यहां अच्छे लोग भी, उसी तरह से चोर रेपिस्ट हत्यारों का सम्मान नहीं होता लेकिन अच्छे लोगों का सम्मान होता, उनको सुनने वाले लोग होते हैं, उनकी बात का अनुसरण करने वाले लोग होते हैं। आज भी बाबा साहब के नाम पे हम लोग लाखों लोग जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार, ये इस बात का प्रमाण है, आज बाबा साहब नहीं है। उसी तरह से जो अच्छे लोग हैं चाहे वो सुरक्षा दल के या पुलिस के, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो अपराध करेगा हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक उसको सजा नहीं देंगे, क्योंकि अपराध के लिए कानून एक, चाहे वो मेरा द्वारा किया गया या फिर जज साहब के द्वारा किया गया। यहां जितने हमारे साथी बोले ना वो सब पीड़ा बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, और मैं सोचता था कभी कभी तो ऐसा लगता था कुछ को सुन के, आज तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारी महिला शक्ति का कि जब वो इतना दम से बोलने लगी हैं, वो इतने दम से बोल रही हैं, इसका प्रभाव बहुत लोगों पे पड़ने वाला है और बहुत लोग उनको सुन के तैयार हो। लेकिन मैं किसी डरी एजेंसी से डर जाऊं, घबराई एजेंसी से डर जाऊं, वो जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं कि उन 56 लोगों की हत्या किसने की, जैसे वो 56 इंसान नहीं है, वो 56 कीड़े मकोड़े। फिर तीसरी घटना जो अभी मैंने बहुत जल्दी एक साल पहले देखी, वो घटना नेमावर की आदिवासियों, अगर आपको याद हो एक बच्ची और उसके परिवार के 4 लोगों की हत्या करके जो है वो एक गड्ढे में बड़े से गड्ढे में डाल दी गई थी। मैं और मध्य प्रदेश के हमारे साथी सब लोग, हम लोग जयेश और सब लोग गए, जब ये पता लगा कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही, और हमने मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैं हिमांशु जी की ओर आ रहा हूं, बड़ी मुश्किल से उस आंदोलन के दबाव में सीबीआई जांच की जो है घोषणा हुई, लेट शुरू हुई, लेकिन जब वो शुरू हुई तो नए 7-8 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर कहीं अन्याय हुआ है और उसको न्याय हम लोग दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए जांच जरूरी है, और यही मांग तो कर रहे हैं हिमांशु जी।